नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने पीपल का पेड़ लेकर आया हूं और इसी पीपल के पेड़ के फायदे के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों यह पीपल का पेड़ जितना पूजनीय है उससे कई गुना अधिक आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरा हुआ है, लेकिन शायद लोग नहीं जानते हैं इसके फायदों के बारे में, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज जब मैं इसके फायदे के बारे में आपको बताऊंगा तो आप इस पेड़ को एक अमृत का पेड़ समझेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे अपने रोगों में, अपने तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए। तो चलो दोस्तों हम विस्तार तरीके से यह जाने कि पीपल का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा किस बीमारी में इस्तेमाल होता है। तो आओ दोस्तों सबसे पहले हम पीपल के छाल के फायदे के बारे में बात करते हैं कि अगर इस पीपल के छाल का काढ़ा बनाकर सेवन किया जाए तो रक्त पित्त का समन होता है, शरीर के अंदर खून की खराबी दूर होता है, यानी इस पीपल के छाल से रक्त साफ होता है, ब्लड फिल्टर होता है। अगर हम इसका काढ़ा पीते हैं तो दिन में दो बार पीना है। और चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसी छाल को अगर हम निकाल कर रात को एक गिलास पानी में डुबा कर रख देते हैं और सुबह उस पानी को बासी मुंह पीते हैं तो पेट के अंदर होने वाले एसिडिटी, कब्ज रोग, बाई बतास, पाचन क्रिया की गड़बड़ी और डायबिटीज, शुगर, तो दोस्तों ये सब बीमारी पीपल के छाल से निकले हुए रस को पीने से ठीक होता है, जो मैंने आपको बताया अभी अभी। दोस्तों उल्टी को रोकने के लिए भी आप पीपल के छाल का इस्तेमाल करेंगे तो उल्टी तुरंत तुरंत रुक जाती है। अच्छा, इस्तेमाल कैसे करना है? जैसे मान लीजिए आपने पीपल के छाल को निकाला और उसे एक दो दिन आप सुखा दीजिए, जब वो सूख जाए तो उसे आग लगाकर जला दीजिए। जब वो जलने लगे, आधा जल जाए तो उसे पानी में डालकर बुझा दीजिए, यानी पीपल का कोयला तैयार करना है, यानी आधा जला हो और आधा न जला हो, ऐसे में उसे बुझाकर उसके अंदर से जो पानी निकलेगा, यानी एक लोटा पानी में उस पीपल के जलते हुए लकड़ी को डाल दीजिए, तो वह लकड़ी जो है एक लोटा पानी में बुझ जाएगा, तो यानी पीपल के लकड़ी के कोयले का बुझा हुआ पानी पीने से उल्टी रोग ठीक होता है। दोस्तों बहुत से लोग पीपल के लकड़ी का गिलास बनाकर भी मार्केट में बेचते हैं, उस गिलास में रात में पानी भरकर पीने से पेट साफ होता है, खून साफ होता है और डायबिटीज शुगर में फायदेमंद होता है पीपल के लकड़ी गिलास में पानी पीने से। तो इसका गिलास भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से खरीद सकते हैं। अब चलो दोस्तों थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों यह पीपल पीलिया रोग भी काफी फायदेमंद माना जाता है। अब जानने वाली बात यह है कि पीलिया रोग में पीपल का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करना है। तो हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, पीपल के कोमल कोमल पत्तों के बीच में एक कपोल होता है, उसी कपोल को पीलिया रोग में इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे किया जाता है वो आप जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो नए नए कोमल कोमल कपोल हैं, इन कपोल को आप तोड़कर करीबन 15-20 कपोल तोड़ लीजिए और उसे पत्थर के सिल में पीसिए, पीसने के बाद उसका रस तैयार कीजिए, यानी स्वरस, और उस स्वरस को छाछ में डालकर सुबह सुबह खाली पेट पीजिए, 8-10 दिन तक पीजिए, पीलिया रोग आपका ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों वह कोमल कपोल पीलिया रोग को ठीक करने के लिए। दोस्तों इस पीपल के और भी फायदे हैं, जैसे मान लीजिए सुबह सुबह खाली पेट बासी मुंह, पीपल के कोमल कोमल नाजुक नाजुक नए नए पत्तों को तोड़कर अगर आप सुबह सुबह चबाते हैं, 3-4 पत्ते चबाइए और एक गिलास पानी पी लीजिए, तो इससे भी खून साफ होता है, डायबिटीज रोग ठीक होता है, कंट्रोल होता है। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह पीपल के कपोल और पीपल के कोमल पत्ते। दोस्तों पीपल के पेड़ के अंदर पुरुषों के काम शक्ति बढ़ाने की ताकत भी छुपा हुआ है, लेकिन जानने वाली बात तो यह है कि कौन सा हिस्सा पीपल खाने से पुरुषों का काम शक्ति बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है, धातु पुष्ट होता है। तो हाँ दोस्तों, पीपल में फल भी लगते हैं,
जो कच्चा होते हैं तो हरे हरे होते हैं, पकने के बाद लाल हो जाते हैं और मटर के बराबर भी होते हैं और बैर के बराबर भी होते हैं फल। अलग अलग पीपल के पेड़ का अलग अलग साइज फल होते हैं, तो वह फल पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर उस फल को छांव में सुखाकर उसका पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर सुबह शाम एक एक चम्मच सेवन किया जाए तो शरीर का बल बढ़ता है, शक्ति बढ़ता है, वीर गाढ़ा होता है। तो दोस्तों पुरुषों के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है पीपल का फल। पीपल का फल अब दोस्तों ऐसा नहीं कि यह सिर्फ पुरुषों के लिए ही फायदेमंद है, जितना पुरुषों के लिए फायदेमंद है उतना ही यह स्त्रियों के लिए भी फायदेमंद है। अगर किसी स्त्री को लिकोरिया प्रदल रोग हो तो वह भी पीपल के कोमल कोमल कपोल का रस निकालकर सुबह बासी मुंह पिए तो लिकोरिया प्रदल रोग ठीक होगा। और किसी स्त्री का अगर मासिक महीना यानी मासिक धर्म बंद हो गया हो तो इस पीपल के फल का चूर्ण सुबह शाम और दोपहर 5-5 ग्राम सेवन करे सादे पानी के साथ तो वह रुका हुआ महीना वापस चालू हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह पीपल का फल। दोस्तों आंखों में फोड़े फुंसी अगर हो या आंखों में बिलनी रोग हो तो उसमें भी आप पीपल के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल का कोई भी हिस्सा आप तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है, तो उस दूध को आप काजल की तरह अगर आंखों में लगाते हैं एक एक बूंद तो आंखों के अंदर होने वाले फुंसी बिलनी रोग कहते हैं वह रोग ठीक हो जाता है। और हाँ दोस्तों आप धातु रोग में वीर पतला हो जाए यानी पुरुषों की और भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में आप पीपल का गोंद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीपल का गोंद अधिक प्राप्त नहीं हो पाता है। फिलहाल अगर किसी को पीपल का गोंद चाहिए तो उसे पहले पीपल के पेड़ पे किसी भी धारदार हथियार से एक दिन पहले काटना पड़ेगा हल्का सा। जब उसे आप पीपल के पेड़ काट देंगे तो दूसरे दिन या तीसरे दिन जाएंगे तो पीपल का गोंद जो है उसी कटे हुए जगह से निकलेगा, तो वो गोंद को आप लाकर सुखाइए। सुखाने के बाद जब वह एकदम सूख कर कड़कड़ा जाए तो उसे पीसकर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर सुबह शाम 3-3 ग्राम दूध के साथ सेवन कीजिए तो उससे भी काम शक्ति बढ़ता है, बल बढ़ता है, धातु छीरता नष्ट होता है। दोस्तों पीपल के छाल के और भी फायदे हैं। अगर मान लीजिए पीपल के छाल को आप निकालकर छाए में सुखाकर पाउडर बना लेते हैं, यानी आपने 50 ग्राम पाउडर तैयार किया तो उसी 50 ग्राम पाउडर में 50 ग्राम अकरकरा पीसकर मिला लीजिए और दोनों को मिलाकर 100 ग्राम होता है तो उस 100 ग्राम में आप 100 ग्राम मिश्री मिला लीजिए और जो बच्चा हकलाता हो उस बच्चे को एक एक चुटकी दिन में 3 बार मुंह में डालकर चुसाइए तो उसका हकलाना 1-2 महीने में कम होने लगेगा और काफी दिनों तक इस्तेमाल करने से हकलाना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों पीपल की छाल के चूर्ण। तो चलो दोस्तों इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।